राम राम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, एसिड। एसिड क्या होता है बच्चों, ये देखेंगे हम। उससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था भी इंडिकेटर क्या होते थे, इंडिकेटर हमें क्या बताते थे, वो हमें बताते थे भी कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके बारे में हमें बताते थे। तो उसकी सारी डिटेल हमने जो पहला लेक्चर है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसिड की। एसिड आप लोगों को पता भी होगा भाई, एसिड का जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एसिडस। और एसिडस जो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भी सोर, यानी कि जो एसिड्स है हमारे वो क्या होते हैं, सोर होते हैं, यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये खट्टे होने के कारण मतलब आप लोगों ने देखे भी होंगे भाई, जो हमारा लेमन है यानी नींबू है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जो ऑरेंज है उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, जो आप लोग क्या है टेरामाइड यानी कि इमली है उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, और ये सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये था हमारा एसिड के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो देखिए द सब्सटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव अस, डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव अस एच पॉजिटिव आयन, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, यानी कि एसिड क्या होते हैं, आर कॉल्ड सब्सटेंसेस, लिखना पड़ेगा आर कॉल्ड एसिड्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या दे, हमें H प्लस आयन दे किसके अंदर, वाटर के अंदर, विच क्या होते हैं, विच डिसोसिएट इन वाटर आएगा, विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव एच पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन, या फिर हम जब बात करेंगे थ्री ओ पॉजिटिव आयन्स, यानी कि ये हमें क्या देते हैं, या तो एच प्लस आयन दे देते हैं या फिर इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये देखते हैं भी कैसे बनते हैं हाइड्रोनियम आयन, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, एग्जाम्पल से आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा बच्चों। देखिए एग्जाम्पल के अंदर क्या लेते हैं हम लेते हैं सबसे पहले ड्राई एसीएल। अब जो एसीएल होगा बच्चों वो क्या करेगा, हमने क्या कर दिया उसको एक्वस में डाल दिया, यानी सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर डाल दिया उसको, ए क्या होगा मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस का मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो हमें देता है एच पॉजिटिव आयन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, और सीएल नेगेटिव आयन, ये दोनों के दोनों वाटर के अंदर मौजूद रहेंगे। फिर इसके अंदर होता क्या है बच्चों, जो हमारा एच पॉजिटिव आयन है वो वाटर के साथ मिलके क्या कर देता है H2O, ये आ गए यहाँ पर। अब यहां से क्या हो जाता है, वाटर के साथ मिलके लिक्विड स्टेट के अंदर होता है ये एक क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है H3O पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि यही हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अभी सबसे पहले जो हमारा क्या था HCl है वो डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। उसके बाद हम इन दोनों की यदि कंबाइंड रिएक्शन देखे भी होता क्या है इसके अंदर, तो क्या होता है बच्चों, जब HCl को हम क्या करते हैं सीधा वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें दो चीजें मिलती है, क्या क्या मिलेगा। अब भाई इसके वाटर के पीछे एल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर है, इसी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, लेकिन जो डिजोल्व हुआ है उसके पीछे एक क्या लगाया है, एक क्या होगा मतलब इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया है, तो ये यहाँ पर हमें क्या मिलता है H3O पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन प्लस में Cl नेगेटिव एक्वस, यानी कि ये चीज थी हमारे किसके बारे में, एसिड के बारे में, और एग्जाम्पल से आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, यानी कि एसिड के कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड होते हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, तो वो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये डेफिनेशन आपने राइट कर लेनी है, और ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने राइट कर लेना है।
तो ये क्या था भी जो हमें क्या दे वाटर के अंदर एच पॉजिटिव आयन दे या फिर क्या दे हाइड्रोनियम आयन दे, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे एसिड। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो क्या किया है, अलग अलग तरीके से इनको बांट दिया है किसको, एसिड्स को। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, हमने बताया भी कितने प्रकार के थे, थ्री टाइप से इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला है कि सोर्स फ्रॉम दे ऑब्टेंड, यानी कि कहाँ से ये मिलते हैं, इनका सोर्सेज क्या है, सोर्सेज फ्रॉम दे ऑब्टेंड, यानी कि ये कहाँ से मिलते हैं, दे आर ऑब्टेंड, या भी चार ऑब्टेंड लिख देंगे, फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेंड। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड के अंदर क्या होगा हमारा, सेकंड है देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि दूसरा कौन सा है हमारा, देयर एबिलिटी, एबिलिटी टू डिसोसिएट, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर के अंदर किस प्रकार से टूट जाते हैं उसके अंदर बात करेंगे हम। और जो थर्ड टाइप है हमारी बच्चों, वो कौन सी आएगी, उसके अंदर हम देखेंगे भी जो एसिड है हमारे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, देयर कंसंट्रेशन इन वाटर। अब ये क्या चीज है भाई, ये तीनों चीज पहले तो इनको थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दे देते हैं अभी क्या होता है। तो पहला है भी सोर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मतलब ये हमें नेचर से में कहाँ से मिलते हैं, कहीं मिनरल से मिल रहे हैं या किसी प्लांट से मिल रहे हैं या किसी एनिमल से मिल रहे हैं, उसको तो हम बोलते हैं सोर्स। मतलब एनिमल से मिलते हैं या फिर किसी प्लांट से मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, उनका सोर्सेज हो गया, या हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं तो वो भी सोर्सेज हो गया। फिर हम बात करेंगे भी जो इनकी एबिलिटी होती है डिसोसिएट होने, किसके अंदर, वाटर के अंदर, मतलब ये जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं या आराम से डिसोसिएट होंगे, तो उनको हम बोलते हैं क्या भी, एबिलिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की बात करते हैं। जबकि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है भाई, इसका वैसे मतलब हिंदी का वर्ड मीनिंग बताएं तो इसका मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़े का मतलब, गाढ़ा का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेटिंग लोन, मतलब कितना गाढ़ा सोल्यूशन है। अब उसके अंदर गाढ़े सॉल्यूशन के अंदर हमने पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, पतला हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब, और डिल्यूट का मतलब क्या हो जाता है हमारा, पतला हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं भी सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन्ड। तो कौन कौन से हैं भी, इसके भी आगे कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, कौन कौन से, पहला है ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टू टाइप्स का हो जाएगा, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप, ये कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का है, टू टाइप्स। कौन कौन से हैं बच्चों, पहला आएगा हमारा ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा आएगा हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। यानी कि फर्स्ट की बात करें तो हम, फर्स्ट तो क्या है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, और सेकेंड क्या होगा हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों भी, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और इसको लिखिए भी क्या होता है। तो लिखिए द एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचुरल लिविंग सोर्सेज, यानी क्या हो गया, द एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम कहां से, नेचुरल लिविंग सोर्सेज, कहां से, नेचुरल लिविंग सोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है, दैट इज मीन्स क्या हो गया इसका मीनिंग भाई, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी या तो हमें कहाँ से मिले, प्लांट से मिले और कहाँ से, एंड फ्रॉम एनिमल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्या, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों, जो हमने शुरू के अंदर ही आज बता रहे थे आप लोगों को, कौन सा, सबसे पहले बात करें हम किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर।
ऑरेंज की बात करें हम एग्जांपल के तौर पे, या हम बात करें किसकी, लेमन की बात करें, तो दोनों के अंदर कौन सा एसिड होता है, इनके अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड। यानी कि आप लिखेंगे भी लेमन एंड ऑरेंज कंटेन कौन सा, सिट्रिक एसिड। फिर हम बात करें किसकी, पैरामाइंड की, यानी कि इमली की बात करें तो इसके अंदर होता है कौन सा, टार्टरिक एसिड। या फिर हम बात करें किसकी भाई, लैक्टिक एसिड की, यानी कार्ड की बात करें हम, कार्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। जो आप दही खाते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड है। और आप सभी को बताओ अभी ये सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं, टेस्ट के अंदर खट्टी होती हैं। तो ये है हमारा कौन सा भी, ये था हमारा ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक एसिड की। तो इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा होगा हमारा, तो वो देखते हैं हम। तो ये भी देखा होगा आपने भी, जो ऑर्गेनिक एसिड है हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे विनेगर है, विनेगर आप लोगों ने, सिरका वगैरह जो, वो भी हमारा कहाँ से होता है, वो भी ऑर्गेनिक एसिड है। फिर हम बात करें किसकी, जो ये पैरामाइड है, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो यानी टमाटर हो गया जो हमारा, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों की, जो जनरल लाइफ के अंदर आप पढ़ते हैं उन्हीं का बेस था कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक एसिड की। तो इनऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होंगे, जो हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलेंगे, उनको हम बोल देंगे क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखिए क्या लिखना है आप लोगों ने, द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ। यानी क्या होगा, द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलते हैं बच्चों, ये इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, तो हम बात करेंगे हमेशा किसकी बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। तो ये कहां से मिलेंगे हमें, जो मिनरल कह रहे हैं, मिनरल है इसके, मिनरल ऑफ अर्थ, मिनरल और मिनरल ऑफ द अर्थ। तो ये क्या होंगे हमारे, कौन से एसिड होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों ये। और इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इसको इसगार्ड लिख ही देते हैं अपन, इसगार्ड। एक तो क्या कहेंगे इनको, इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा नाम भी है बच्चों इनका इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, और मिनरल एसिड बोलते हैं। अब ये मिनरल्स का मतलब क्या होगा, जो हम ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, धरती के ऊपर मिलते हैं, यानी कि जो हम क्या करते हैं ऊपर वाली चीजों से मिलकर बनाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो होंगे हमारे कौन से, मिनरल एसिड। तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं भी ये, इनको हम, यदि कोई पूछे आपसे भी मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो हमारे कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या रहेगा बच्चों इनका, एग्जाम्पल जो हमारी लेबोरेटरी के अंदर काम आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम बात करें किसकी, H2SO4 की। तो ये क्या होता है भाई बच्चों, ये होता है किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं इसको, यानी कि जो सारे एसिड है एसिड का किंग होता है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम बात करें किसकी, और सारे होते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये थे हमारे किसके बेस के ऊपर भी, ये थे हमारे सोर्सेज के बेस पे। अब हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएटिंग वाटर, यानी कि जो हमारा सेकंड टाइप था, जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की। तो उसके अंदर भी क्या होगा हमारा भी, जो आसानी से टूट जाते हैं उनको तो हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, यानी कि जैसे आपने वाटर के अंदर घोल दिया तो वो क्या हो जाएंगे, आसानी से वाटर के अंदर घुल जाते हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो आसानी से ना घुले वो क्या होंगे हमारे, वीक एसिड होंगे। तो क्या था हमारा सेकंड टाइप, देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारे क्या होंगे भाई, ये भी हमारे दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं इनके अंदर, तो एक हम बता ही रहे हैं, जैसे पहला तो है हमारा कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होगा हमारा कौन सा,
वीक एसिड, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड के अंदर यहाँ लिख लेंगे कौन से वाला वीक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वहां पर जाके कमेंट करें। और एक बच्चों जो यहाँ पर क्या होता है सब्सक्राइब चैनल जहाँ पर आप करते हो वहां पर बेल आइकन दिखता होता है, यानी एक घंटी सी दिख रही है उसके ऊपर जो दबा के उसको सबसे पहला ऑप्शन आपने टिक कर लेना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो क्या होगा भी इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, पहले बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, विच डिसोसिएट इनटू वाटर, यानी विच इजली डिसोसिएट इन वाटर, यानी जो आसानी से क्या हो जाते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, एसिड बोलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन भी एक लिख रखी है इन्होंने, वो कौन सी डेफिनेशन है बच्चों, वो लिख रखा है क्या, ऑल मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी हमारे क्या होते हैं सारे के सारे मिनरल एसिड है वो क्या होते हैं, ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आर क्या होते हैं जो हमारे सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एक्सेप्ट को छोड़ के किसको, एक्सेप्ट मीन कार्बोनिक एसिड, वो क्या होंगे हमारे, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसेप्ट हो गए आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो। तो ये था हमारा इसके बारे में एग्जांपल, देख सकते हैं आप एग्जांपल के आगे जो अभी हम लिख के आगे दे वो कौन कौन से थे, HCl, HNO3, H2SO4, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों हम बात करते हैं इसकी वीक एसिड की, वीक एसिड कौन से होते हैं बच्चों, जो क्या होते हैं विच डिड नॉट इजिली डिसोसिएट इनटू वाटर, यानी वाटर के अंदर आसानी से ना टूटते उन्हें क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड बोलते हैं। या फिर हम बात करें अदर वर्ड की, जो क्या कहते हैं कई बार लिख देते हैं विच जो सारे के सारे क्या होते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड, क्या होते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, यानी कि जितने भी जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। एग्जांपल आप को बता दें, अब जैसे आपने 10th क्लास में देख रहे हो या 9th क्लास में एक आपने नाम सुने हो आप लोगों ने, एग्जांपल है उसका क्या, एसिडिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा विनेगर के अंदर इस्तेमाल होता है वो कौन सा एसिड होता है, यही एसिड होता है एसिडिक एसिड। ऐसे ही हमारा फॉर्मिक एसिड होता है वो भी हमारा क्या होता है वीक एसिड है, तो ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड होते हैं जो वाटर के अंदर पूरे अच्छी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो ये थे हमारे किसके बीच के ऊपर बच्चों, ये थे हमारे किसकी, इनकी जो एबिलिटी थी इसके अंदर वाटर के अंदर डिसोसिएट होने के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर बच्चों, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के ऊपर, भी कंसंट्रेशन इन वाटर के अंदर के हिसाब से कैसे होगा, ये कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट है, तो यानी कि जो गाढ़ा होगा उसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं और जो क्या होते हैं थोड़े से पतले होते हैं हल्के होते हैं वीक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, वो किसकी होती है अभी, जो कंसंट्रेशन इन वाटर के अंदर है उसके ऊपर बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। कंसंट्रेशन इन वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, भी जो वाटर के अंदर कितना क्या होता है गाढ़ा होता है और कितना क्या है वो डिल्यूट है मतलब पतला हो जाता है सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बेसिस बोलते हैं। तो सबसे दो टाइप हमारे कौन कौन से इसके, एक तो हमारा क्या होगा कंसंट्रेटेड होगा, दूसरा हमारा क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स, दूसरे हमारे क्या होंगे डिल्यूट एसिड होते हैं बच्चों, ये दो एसिड होते हैं हमारे डिल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों, तो हम पहले बात करते हैं जिसकी कंसंट्रेटेड एसिड की, तो कंसंट्रेटेड एसिड के ऐसे एसिड होते हैं दोज एसिड दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कौन से एसिड होते हैं दोज एसिड्स व्हिच आर
क्या होंगे जो विच हैव मैक्सिमम अमाउंट, विच हैव मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है इनकी, खुद की होती है। जो खुद की अमाउंट तो क्या हो बच्चों ज्यादा हो किसकी, एसिड की, यानी कि जिस एसिड की क्या हो खुद की अमाउंट तो ज्यादा हो, और क्या हो इन लेसर वाटर, यानी वाटर क्या हो कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो एसिड होते हैं जो उनकी अमाउंट ज्यादा होगी लेकिन जो लेसर क्या हो गए बट इन लेसर वाटर, जो वाटर होगा वो हमारा किसके अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज कौन सा एसिड हो जाएगा, आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि क्या होता है जो डिल्यूट है हमारे, इसको इसका एग्जांपल हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी एसिड को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिल्यूट कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कंसंट्रेटेड तो नहीं कर सकते। हाँ हम डिल्यूट से बच्चों ये भी बात ध्यान रखनी है, हम क्या कर सकते हैं इधर से इधर तो जा सकते हैं और लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते बच्चों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने जैसे आपने क्या कर दें जो हम चीनी घोलते पानी के अंदर, अब हम क्या करें यदि चीनी घोलते जाएं घोलते जाएं वो तो ठीक है लेकिन उसी अमाउंट ऑफ चीनी के अंदर हम क्या करते हैं यदि पानी ज्यादा डाल दें तो क्या हो जाएगा वो पतला सोल्यूशन हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा। अब उस कम मीठे को आप चीनी के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, ऐसे वो ठीक नहीं होगा। तो वही चीज अभी हम ये कह सकते कंसंट्रेटेड डिल्यूट बना सकते हैं लेकिन डिल्यूट से कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते। कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हमें उसके अंदर कोई ना कोई अमाउंट एसिड की डालनी पड़ेगी, जबकि यहाँ से हमें क्या हो रहा है जो वाटर है उसी से हमारा काम चल रहा है। तो हम डिल्यूट एसिड की बात करते हैं भाई, उसका क्या होगा बिल्कुल इसी के अपोजिट होगा। एसिड कौन से होते हैं, डिल्यूट एसिड होते हैं जो क्या होते हैं लेसर अमाउंट तो एसिड की होती है और लार्जर अमाउंट किसकी होती है, वाटर की होती है। मतलब क्या होंगे इसके अंदर तो क्या होगा जो अमाउंट होगी मैक्सिमम अमाउंट किसकी होगी, मान लीजिए यहाँ तक लेवल है हमारा दोनों एसिड के अंदर, तो यहाँ तक लेवल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट है स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें या वीक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जो क्या होगा जो वाटर का अमाउंट है वो तो क्या होगा कम होगा, लेकिन जो एसिड है हमारा मान लीजिए रेड है जो हमारा वो एसिड है तो यहाँ पर क्या होगा जो रेड है वो हमारा क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब लेसर अमाउंट किसकी वाटर की और मैक्सिमम अमाउंट किसकी जो हमारा लेसर अमाउंट वाटर की होती है मैक्सिमम अमाउंट एसिड की। जबकि हम बात करें किसकी, बात करें हम कंसंट्रेट डिल्यूट की, तो डिल्यूट के अंदर क्या होगा यहाँ पर जो एसिड है वो क्या होगा लेसर क्वांटिटी के अंदर होगा जबकि जो वाटर है हमारा वो मेजर क्वांटिटी के अंदर होगा। तो ये चीज है बच्चों इसके अंदर, बस और कुछ भी नहीं है, इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं या फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड की। तो इन दोनों के बीच में बस क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर का ही डिफरेंस होता है, जिसमें वाटर ज्यादा वो वीक है या डिल्यूट है और जिसमें ज्यादा है वो क्या होगा कंसंट्रेटेड होता है। तो फिर क्या एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा भी जो क्या होते हैं आपको रिकमेंडेड किए जाते हैं जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपको कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना होता। क्यों नहीं डालना होता, क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं एसिड के अंदर वाटर डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया ये हमारे पास एसिड पड़ा हुआ था, और जब भी आप एसिड के अंदर क्या करोगे यहां से क्या करेंगे आप वाटर डालेंगे, तो यहां से क्या होगा बच्चों जब यहाँ पर वाटर हमारा आएगा वो वाटर आने के कारण क्या होगा यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब जैसे ही वाटर इसके साथ मिलेगा तो एसिड प्लस में वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, हीट निकलने के कारण क्या हो सकता है वो बंप कर सकता है, बंप का मतलब क्या हो जाएगा बाहर आ सकता है, बाहर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यदि किसी की स्किन पे गिर गया तो स्किन हमारी क्या हो जाती है खराब हो जाएगी, आंख पे गिर गया तो आंख चली जाएगी, यानी कि जहां पर भी गिरता है तो वहां पर आपको जलन महसूस होगी और नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है जो हमारा वाटर है वो कभी भी क्या नहीं किया जाता है एसिड के अंदर नहीं डाला जाता, कभी भी नहीं होगा। होता क्या है हमारा इसका केस उल्टा होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे जो एसिड है हम वो क्या करेंगे ऊपर वाले बीकर के अंदर लेंगे और जो हमारा नीचे होगा वो क्या होगा वाटर होगा। तो यहाँ पर जब भी आप डिल्यूशन करेंगे किसी भी एसिड की तो वहां पर क्या होता है जो आपका एसिड है वो क्या होगा वो हमेशा डाला जाता है वाटर के अंदर,
और इसी कारण से क्या होगा, अब यहाँ पर जो हमारी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी यहाँ पर, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भी एकदम एसिड क्या होता है, डिल्यूट होता है, तो वो बम्प करना लग जाता है और बाहर की तरफ आ सकता है, या हमारा जो कंटेनर है वो फट सकता है, तो जिससे नुकसान हो सकता है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा एसिड डालेंगे हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, तो ये हमारे लिए सेफ रहता है। इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है भी हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर कभी भी वाटर नहीं डालते। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी ड्राई HCl है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक गैस है, यदि हम उसको लिटमस पेपर के पास टेस्ट करें तो कभी भी टेस्ट नहीं देगी। यानी कि मान लीजिए ये हमारा लिटमस है, कौन से वाला, ब्लू लिटमस की बात करें, ब्लू से छाप देते हैं उसको, तो ब्लू लिटमस का पेपर है हमारे पास, वो ब्लू लिटमस का पेपर के ऊपर क्या करेंगे, जैसे ही क्या होती है HCl गैस आई, तो HCl यदि क्या थी, ड्राई HCl की बात करूं मैं, यदि वो गैस सूखी हुई थी, तो इसके ऊपर आने के बाद वो क्या करेगी, किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इस टाइम वो क्या नहीं है, आयनाइज नहीं है। आयनाइज का मतलब क्या, वो वाटर में घुली हुई नहीं है, उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो कभी भी जो हमेशा जो सूखी यानी ड्राई गैस है वो कभी भी किसी प्रकार का टेस्ट नहीं देगी। लेकिन जैसे हम इसको क्या कर देते हैं, जो हमारा ब्लू लिटमस है उसको हम क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं, मॉइस्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही मॉइस्ट करेंगे तो जो हमारी HCl गैस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगी, तो वो टेस्ट कैसा हो जाएगा, वो टेस्ट हमारा रेड हो जाएगा। तो इससे पता लगता है भी हमें जो ड्राई है, ड्राई फॉर्म के अंदर HCl क्या नहीं होती, एसिड का काम नहीं करती, वो काम कब करेगी, जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे या फिर हम मॉइस्ट पेपर लेके चलेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये ना हमारा किसके बारे में, जो सोर्स ऑफ एसिड है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है एसिड की, कौन कौन सी, एक तो फिजिकल होती है, दूसरी हमारी होती है केमिकल। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने एसिड की सुनी होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे क्या होते हैं, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड हमारे खट्टे होते हैं, जैसे आपने लेमन चेक कर सकते हैं आप, तो एसिड क्या होंगे, पहला पॉइंट है हमारा ए के अंदर लिखेंगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी ये क्या होते हैं, टेस्ट के अंदर सोर होते हैं, मतलब खट्टे होंगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे, एसिड क्या कर देते हैं, एसिड ट्रंस किसको, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, यानी उसको क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देंगे। तीसरा क्या होगा हमारा, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, एसिड होते हैं, एसिड्स वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इन्वर्टर के अंदर जो हमारी बैटरी है, बैटरी आती है स्टोरेज बैटरी, उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर ये क्या होते हैं, एसिड आर क्रोसिव इन नेचर, एसिड आर क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं, क्रोसिव का मतलब जैसे हमारे स्किन के ऊपर लगे तो ये क्या कर देते हैं, हम स्किन को जला देते हैं, ये क्रोसिव इन नेचर के अंदर भी होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, जो एसिड है हमारे वो क्या हो जाते हैं, एक्वस फॉर्म के अंदर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा आप बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एसिड की बहुत सारी है, लेकिन चार पांच आप लोगों के लिए बहुत है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या होती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम उसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसकी कोई रिएक्शन नहीं करवाते, इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी हमने जिसके अंदर रिएक्शन है, इसके अंदर हम सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऐसी चीजें बात करते हैं, तो वो फिजिकली होता है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, केमिकल का मतलब उसके अंदर रिएक्शन होगी और वो सारे का सारा नेचर उसका चेंज हो जाता है, इसके अंदर वैसे का वैसा ही नेचर रहता है, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर नेचर अलग अलग हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की।
यानी कि आंख पर क्या करेंगे हम, केमिकली रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एसिड्स की। तो देखिए भी एसिड की सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देंगे ये हमें, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो हम भी लिख देते हैं भी क्या होगा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस H2 गैस। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी होते हैं हमारे इसके अंदर, तो सबसे पहला है हमारा बात करें जैसे जिंक है हमारी, अब जिंक को हमने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला एक्वा सोल्यूशन के अंदर, और ये हमारी क्या थी, सॉलिड थी, तो इसके नाम भी आप लिखेंगे साथ में, यहाँ पर लिखेंगे जिंक, यहाँ पर लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। यदि आप यहाँ पर नाम नहीं लिखते तो आपके नंबर क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, तो नेम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर आ जाती है, इसको लिबरेट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, जिंक सल्फेट हो गया। हमने पहले चैप्टर के अंदर जो हमारी वीडियो आई थी तो उसके अंदर सभी के हमने लगभग नाम लिख के दिखाए थे, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इन नाम को चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन थी हमारी किसकी, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि हमेशा क्या होता है जब हमारा कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जनरल रिएक्शन है बच्चों ये हमारी, वो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन हो जाती है हमारी रिएक्शन विद मेटल के साथ। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका, किसके साथ, HCl के साथ देख लेते हैं हम, तो HCl के अंदर भी वही सेम रिएक्शन होती है, आप कोई भी मेटल लेके चल सकते हैं तो वो सारी की सारी इसके साथ रिएक्शन करेगी। जैसे हम बात करते हैं ऊपर, हम जिंक को ही ले लेते हैं लेकिन एसिड हम दूसरा ले लेते हैं जैसे HCl हो गया, तो इसके अंदर भी क्या होगा हमारा, सेम रिएक्शन होगी, ZnCl2 हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन निकलती है, और इसको आप साथ में बैलेंस भी कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगेगा और बाकी सारी बैलेंस है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जिंक हो जाता है, ये एक सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया क्या, जिंक क्लोराइड, इसका भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, और साथ में हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर भी, आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं भी जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जो भी टेस्ट ट्यूब लेंगे मान लीजिए इसके अंदर एसिड का, अब एसिड के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसको बंद कर देते हैं अच्छी तरह से, और ये इसके अंदर क्या डाल देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं हम सॉफ्ट सॉल्यूशन, यानी साबुन का घोल रख देते हैं एसिड के अंदर। जैसे ही हमने क्या डाला, कोई भी मेटल डाल दी, आयरन भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पर आयरन भी ले सकते थे, ठीक है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी आप लेना चाहते थे वहां पर ले सकते। तो मेटल जैसे ही आपने इसके अंदर ये मेटल डाल दी, तो मेटल डालने के बाद जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो उसके क्या निकलते हैं, बबल्स निकलेंगे यहाँ पर। तो बबल के पास जैसे ही आप क्या लेके जाएंगे, कैंडल लेके जाएंगे, तो कैंडल क्या कर जाती है, पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, यानी एकदम से पॉप साउंड आएगी, इस साउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं, जो भी आवाज आती है फट से आवाज आती है उसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पॉप साउंड लिखा हुआ मिले, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। जैसे ही इसके टच में आएगी तो ये मोमबत्ती हमारी क्या हो जाती है, बुझ जाती है, और हमारी पॉप साउंड के साथ वो फट जाती है और बुझ जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो गिवन गैस थी हमारी वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। फिर हम रिएक्शन करते हैं किसकी, मेटल की, किसके साथ, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो वो हमारी सेकेंड रिएक्शन है भी, सेकेंड रिएक्शन भी किसके साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और
मेटल बाइकार्बोनेट, इन दोनों के साथ हम रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर भी क्या होते हैं अलग प्रोडक्ट बनते हैं जो, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो आपने पीछे वाली पढ़ी फर्स्ट रिएक्शन वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों। सेकेंड रिएक्शन आ रही है, तो इसके अंदर भी क्या होगा जब हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या फिर हम बात करें मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे हम, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर साल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन है किसकी, रिएक्शन विद एसिड किसके, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं HCl की, HCl को जब हमने क्या किया सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये अपने नाम आप लिख लेंगे, तो इसका क्या नाम था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, या हम इसका क्या ले सकते हैं साल्ट ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा NaCl साल्ट बन गया बच्चों, फिर क्या हो जाएगा वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को देख लेंगे आप, बैलेंस करेंगे और आसानी से बैलेंस हो भी जाएगी रिएक्शन, यहाँ पर दो आ जाएगा, अब कार्बन यहाँ पर सोडियम दो गए, यहाँ पर कार्बन एक है तो कार्बन वहां पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है वहां पर भी दो है, ऑक्सीजन तीन है तो वहां पर भी ऑक्सीजन तीन है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। फिर हम बात करते हैं किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो भी देख लेते हैं, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 का, तो H2SO4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaCO3 के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट था, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, तो रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, एक तो वही साल्ट बनेगा Na2SO4 बनेगा, साथ में क्या निकलेगा वाटर और साथ में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो ये हमारी रिएक्शन थी। इसके अंदर बैलेंस देखिए, बैलेंस हमारी रिएक्शन है या नहीं है, नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दो है यहाँ पर तीन हो गए, तो इसके आगे दो लगा देते हैं तो कितने हो जाते हैं चार हो गए, यहाँ पर कितने थे यहाँ पर भी चार हो जाते हैं, सोडियम दो थे तो यहाँ पर भी दो हो गए, कार्बन कितने हैं दो है यहाँ पर, तो वहां पर भी हम दो लगा देते हैं, तो और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। तो ये रिएक्शन थी इसकी मेटल कार्बोनेट के साथ, जब भी आप क्या करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की करवाएंगे तो साल्ट बनेगा साथ में वाटर बनेगा और क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। फिर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हम बात करें किसकी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है ये हमारी रिएक्शन विद किसके साथ, बेस के साथ, तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होती है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस इट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर इज नोन एज, क्या आ जाएगा ये इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए कैसे होगा हमारा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, HCl हो गया हमारे पास प्लस में NaOH हो गए यहाँ पर, साथ में क्या हो जाएगा ये इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, नाम आप लोगों ने जरूर लिखना है भाई, ये हो गया हमारा हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है NaCl, जो ये NaCl है जो हम घरों में साल्ट खाते हैं उसी का फॉर्मूला है कॉमन साल्ट का, और साथ में क्या बनता है हाइड्रोजन वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हीट वहां पर बाहर निकलती है, जब भी आप दोनों को मिक्स करते हैं तो आप उस कंटेनर को हाथ लगा के देख सकते हैं
वहां से भी क्या होता है हीट बाहर निकल रही होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, हम इसका एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ ही करवा देते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, वही साल्ट बनेगा Na2SO4, साथ में वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन थी हमारी, इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पर, दो लगा देंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, और दो चार हो गए, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, दो लगा देंगे तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ रिएक्शन है बच्चों हमारी किसकी, रिएक्शन विद किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये हमारी आज की लास्ट रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन किसकी, मेटल ऑक्साइड की किसके साथ, एसिड के साथ। यानी कि फोर्थ है हमारा कौन सा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, भी मेटल के साथ जो भी ऑक्सीजन जुड़ने के बाद जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। तो जनरल रिएक्शन क्या थी इसके अंदर, एसिड जब क्या करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ क्या कर लेते हैं भाई, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनेगा, वही से मिलता है साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यदि आप ये जनरल रिएक्शन याद कर लेते हैं तो आपका सब कुछ सिंपलीफाई हो जाता है। कैसे, जैसे अब हम कोई भी एसिड लेके चले, हम लेते हैं HCl, HCl को हम किसके साथ लें बच्चों, आपका जी करता है वही एसिड ले सकते हैं, जैसे CU, MgU, MgO कोई भी ले लें आप, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब क्या बनता है CuCl2, ये साल्ट हो गया और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और यही हमारी रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, वहां पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर एक था तो दो हो जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये कॉपर क्लोराइड है और ये वाटर है। तो इनके नाम आप जरूर ले लेंगे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके बारे में हम, उसके बारे में इसको खत्म करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं अभी किसका, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड का, तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो था बच्चों हमारा सारे का सारा रिलेटेड था किससे, एसिड से। तो ये एसिड था हमारा जिसके बारे में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, केमिकल प्रॉपर्टी देखी, ये कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीजें आज हमने देखी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारी PDF भी मिल सकती है, जो आप प्ले स्टोर के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आप सर्च करेंगे संजीव सर की केमिस्ट्री, तो वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सारे ट्राई कर सकते हैं, और इन सभी की आप क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, जैसे हम लिखवा रहे हैं साथ में आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। एक बार पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद PDF देखें, और उसके बाद फिर अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। यदि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और साथ में वीडियो देख रहे हैं तो नहीं, पहले तो आप वीडियो देखिए वहां से समझिए, क्योंकि अपने कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप लोगों को वेरीफाई नहीं होगा। और जो भी रिएक्शन हम लिखवा रहे हैं कम से कम 2 या 3 बार लिख के देखें तो आसानी से याद हो जाएंगी, नहीं तो आप क्या होगा कुछ टाइम तक तो आप मेमोराइज करोगे, 2-3 दिन 3-4 दिन के बाद फिर इन रिएक्शन को भूल जाएंगे। इसीलिए क्या करें भाई, हफ्ता या 3-4 दिन के बाद इनकी रिवीजन करें, और जब भी आप पहली बार याद कर रहे हैं तो इनको 2-3 बार कम से कम याद करें, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान है यदि आप रिवीजन करते हैं। यदि आपकी रिवीजन रह गई तो क्या रहते हैं, ये आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो आपको ना रहेगा किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़वा रहे हैं साइंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे बेस के साथ, बेस के हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।